अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम एम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर टाइमली न्यूज अपडेट। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल केएससी 100 में वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास इस टाइम बड़ा अच्छा क्लोज आया है, कंफर्टेबल क्लोज अबव द 50 सिंपल मूविंग एवरेज। जिस तरह मैंने कल भी बताया था कि विल हैव टू सी कि क्लोज किस किस्म का मिलता है। सो इट्स अ वेरी गुड क्लोज, एक ह्यूज ग्रीन कैंडल है विद अ विक फ्रॉम द डाउन साइड, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो एक चीज है वो ये कि हमारे पास 0.618 के ऊपर अभी क्लोज नहीं मिल सका, जो कि डेली टाइम फ्रेम में आप कह भी सकते हैं कि छोटा सा, इट्स वेरी क्लोजली इफ यू जूम इन, तो यस वी डू हैव अ क्लोज अबव इट, बट जो कैंडल है इटसेल्फ इट्स नॉट दैट कन्विंसिंग। ये जो कैंडल है ये एक जो है आप कह लें कि एक शॉर्टर टर्म या मिड टर्म एक टॉप भी बता रही है, विच मीन्स के मे बी पुल बैक ऑन द डेली टाइम फ्रेम बैक टू दिस ट्रेंड लाइन माइट बी इन प्रोसेस इन कमिंग डेज। खैर उसके लिए हमारे पास जो एविडेंसेस थे, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जो आवर्ली टाइम फ्रेम है उसमें हमारे पास एक कंसेक्यूटिव लोअर प्रिंट्स आ रहे हैं RSI के ऊपर, जो कि डाइवर्जेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, और प्राइस एक्शन जो है हमारे पास एक रेगुलर प्रिंट दे रही है टू दी अपसाइड। यू कैन सी कि पहला प्रिंट यहाँ पे आया ऑन 11th of April, सेकंड वन इज ऑन 13th of April, और अब यहाँ पर 15th of April। ये तीनों जो मूव्स हैं इनको अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो दे आर ऑल अबव द अदर वन, ठीक है। ये वाला सबसे हाईएस्ट है, जबकि RSI पे दिस वन इज द लोएस्ट, और ये उससे नीचे उससे ऊपर है और ये उससे ऊपर। सो जो डाइवर्जेंस है वो क्रिएट हो चुकी हुई ऑन दी आवर्ली टाइम फ्रेम, अभी प्ले आउट नहीं हुई है, ऑल दो दिस इज अनदर लोकल हाई कन्फर्मेशन यहाँ पे हो चुकी हुई है। डेली की जो कैंडल है वो भी इस वक्त यही सजेस्ट कर रही है, क्योंकि प्रीवियसली जो हाई बने उसमें यू कैन सी कि हमारे पास कोई ऐसा जो कैंडल है वो इस तरह की नहीं आई जो इस वक्त आई है। सो दिस कैन क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ पुल बैक, लेकिन वो पुल बैक जो है कहाँ तक पुल बैक रहेगा और कहाँ पे जो है उसके बाद फिर यू नीड टू वरी अबाउट इट, वो मैं आपको बताता जाऊँ कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद दिस ट्रेंड लाइन, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो दैट इज गोइंग टू पुट इन द स्विंग फेलियर पैटर्न, और स्विंग फेलियर पैटर्न जो है वो एक फेक आउट देगा इंस्टेड ऑफ अ ब्रेकआउट। सो वॉच आउट फॉर दैट, 200 सिंपल और ट्रेंड लाइन जो है वो होल्ड करनी चाहिए इन एनी केस। मैंने आपको वही दो सिनेरियोस पहले भी बताए थे कि या तो 0.786 से जाके हमें रिजेक्शन मिलती है, उसके बाद 0.618 होल्ड करना चाहिए, और अगर 0.618 से हमें रिजेक्शन मिलती है तो हमारी ट्रेंड लाइन होल्ड करनी चाहिए। यू कैन सी कि हमारे पास सॉर्ट ऑफ एक अर्ली टेलटेल साइन आ गया है रिजेक्शन का, ऑल्दो अभी कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट कैंडल मंडे को जो ओपन अप होगी, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू टेल अस द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। अगर वो क्लोज होती है बिलो द 0.618 लेवल, विच इज एट 46,561 लेवल, इसके नीचे अगर मंडे की कैंडल क्लोज होती है डेली टाइम फ्रेम में, तो यस द कंटिन्यूएशन इज गोइंग टू गो टू द डाउन साइड फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days। वो डिपेंड करता है कि हाउ फास्ट वी कम डाउन या हम आराम आराम से आते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास मार्केट में पुल बैक जो है वो आ रहा है और कितनी देर में आएगा और किस तरह से आएगा। अगर स्लोली आएगा ऑफकोर्स दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग, क्योंकि जब हमारे पास आवरली टाइम फ्रेम है उसमें मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो बेरिश डाइवर्जेंसिस बनेंगी, लेकिन इसी तरह जब हम नीचे आएंगे तो हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंसिस के केस भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि आपके पास जो RSI पे लोअर हाईज हैं वो जल्दी अबूर होते जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास प्राइस एक्शन में अगर हमारे पास प्रीवियस लोअर जो हाई लोअर लो था उससे ऊपर अगर लो बनेगा तो ऑफकोर्स दैट इज गोइंग टू अगेन क्रिएट अ बुलिश डाइवर्जेंस, विच मीन्स कि हमारे पास जो साइड थोड़ा सा साइड बेस करता हुआ एक्शन जो है प्राइस एक्शन वो नीचे की तरफ आएगा, विच मीन्स के इट इज गोइंग टू कम डाउन स्लोली, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बोरिंग फॉर द मार्केट, बट आई थिंक इट इज बेटर, क्योंकि जो फास्ट मूव्स होते हैं टू द डाउन साइड दे कैन समटाइम्स यू नो क्रिएट पैनिक सेलिंग, तो उसमें किसी किस्म का अगर हमारे पास क्लोज मिल गया इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ फेक आउट एज वेल। तो यहाँ पे जो अब रीटेस्ट है इस ब्रेकआउट का, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रेकआउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रीटेस्ट है, ये याद रखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये ब्रेकआउट नहीं था जितना इसका रीटेस्ट होगा, क्योंकि रीटेस्ट ही कंफर्मेशन देगा आपको कि आप इज इट अ ब्रेकआउट और नॉट, वरना आपके पास जो आपके पास एक आप कह लीजिए कि जो लोअर हाइज की टर्मिनोलॉजी है वो कायम रहेगी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। यू कैन सी इट ओवर हियर कि हमारे पास ये हाई था, देन दिस वाज द हाई, ठीक है, उसके बाद ये हाई है और ये वाला हाई भी इससे नीचे ही कंसिडर होगा। सो दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमारे पास लास्ट लो है दैट इज लोअर ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम में, हमारे पास ये लोअर जो लो बना था लास्ट यहाँ पे, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर में ये सबसे लोएस्ट लो था। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ का जरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हमारे पास ऊपर जाते से पहले एक लोअर हायर के साथ ऑन द वीकली टाइम फ्रेम में एक हायर लो भी मिल जाता तो दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट थिंग,
लेकिन अभी वो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हायर हायर तो मिला है इस पॉइंट से, बट वी हैव द लोअर लोएस्ट लो ऑन दिस स्ट्रक्चर एज वेल, तो इसको जेहन में रखिएगा। अगर हमारे पास पुल बैक आता है 50 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम और डेली में हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद द ट्रेंड लाइन मौजूद है, दे शुड होल्ड इन एनी केस। जब वीक स्टार्ट होगा विल यू नो विल बी विद यू ऑल द वीक, तो हम साथ साथ बताते जाएंगे कि डाइवर्जेंसेस कैसे क्रिएट हो रही है और कहाँ पर हो रही है, बट द मेन थिंग इज के 200 सिंपल मूविंग एवरेज तक अगर मूव वापस आता है तो इट शुड होल्ड। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।